Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this delete leaves with a given value problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and we are going to solve it using recursion. Also it is problem of the day for today. तो चलिए फिर start करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर. हम लोगों को इस question में एक binary tree दिया हुआ है root और एक इंटीजर दिया हुआ है टारगेट एज इनपुट. हम लोगों को सारे लीफ नोड्स डिलीट करने हैं जिनकी वैल्यू टारगेट के इक्वल होगी. अगर हमने कोई लीफ नोड डिलीट किया और उसके बाद कोई और नोड लीफ नोड बन जाता है जिसकी वैल्यू टारगेट के इक्वल है तो हम लोगों को उस नोड को भी डिलीट करना है. जैसे इस वाले एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि दो लीफ नोड्स ऑलरेडी दिए हुए थे ट्री में जिसकी वैल्यू थी टारगेट के इक्वल दैट इज 2. इन दोनों को जब डिलीट किया तो हमारे पास एक और नोड आ गया जिसकी अगेन वैल्यू है टारगेट के इक्वल 2. तो हमें इसे भी डिलीट करके और सिर्फ ये ट्री रिटर्न करना है. ठीक है, तो इसको करने कैसे वाले हैं ये देख लेते हैं. सबसे पहले तो ये लीफ नोड्स हैं यहाँ पे 2. ठीक है, हाईलाइट करे हुए हैं क्योंकि अभी हमें सबसे पहले ये डिलीट करना होगा रिकर्सिवली. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रूट पे आएंगे, इनिशियली रूट पे रहेंगे. अब रूट पे हम चेक नहीं करेंगे, हम किसी भी नोड पे इनिशियली चेक नहीं करेंगे कि वो लीफ नोड है या नहीं है. हम पहले उसके लेफ़्ट और राइट चिल्ड्रन विजिट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद जब हम रिकर्सिव फंक्शन में वापस आने वाले होंगे हमारे पहले वाले कॉल पे, तब हम चेक करेंगे लास्ट में कि वो लीफ नोड है या नहीं है. ठीक है, तो पहले हम रूट से इन दोनों पे आए 2 या 3 पे. अब 2 या 3 से अगेन उनके चिल्ड्रंस पे जाएंगे. ठीक है, अब मान लो सबसे पहले इस लीफ नोड पे आ गए 2 पे. अब इसके चिल्ड्रन पे जाएंगे, इसका है नल, लेफ्ट चाइल्ड भी राइट चाइल्ड भी. ठीक है, अब राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड दोनों नल है. अब ये दोनों कॉल्स हो जाएंगे ख़त्म, ये दोनों कॉल्स हो जाएंगे ख़त्म. कैसे कि जब नल होगा नोड तो हम रिटर्न करेंगे. अब ये दोनों कॉल्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो हम वापस से इस 2 वाले नोड पे आ जाएंगे जिसकी वैल्यू 2 है. अब चेक करेंगे कि क्या ये लीफ नोड है. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लीफ नोड्स डिलीट करते जाएंगे. जब हम लीफ नोड्स डिलीट करते जाएंगे तो फिर पेरेंट्स ऐसा हो सकता है कि लीफ नोड बन जाएं. जैसे अगर इस नोड को आप डिलीट कर देंगे, ठीक है, तो जब इस पे वापस आएंगे, इस पेरेंट पे वापस आएंगे तो ये अब तक लीफ नोड बन चुका होगा क्योंकि इसका लेफ़्ट चाइल्ड भी नल हो चुका होगा, राइट चाइल्ड भी नल हो चुका होगा. ठीक है, वैसे यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे तो 3 लीफ नोड नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास 4 है उसके राइट चाइल्ड में, है ना. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले चाइल्ड नोड्स को विजिट कर रहे हैं, उनको प्रोसेस कर रहे हैं, उसको इवेलुएट कर रहे हैं और उसके बाद हम फाइनली देख रहे हैं कि जो हमारा करंट नोड है क्या वो लीफ नोड है या फिर क्या वो लीफ नोड बन चुका है. ठीक है, तो जैसे इस केस में हुआ था जब ये नोड डिलीट कर दिया था तो ये वाला नोड भी लीफ नोड हो जाएगा और इसको भी डिलीट कर देंगे. अब बात आ गई कि हम डिलीट कैसे करेंगे. ठीक है, अब डिलीट ऐसे करेंगे कि हमें 2 चीज़ों की नीड है. इस नोड को डिलीट करने के लिए पहले तो हमें इसके पेरेंट की नीड है क्योंकि ये लेफ़्ट चाइल्ड है तो हमें इसके पेरेंट का लेफ़्ट चाइल्ड नल करना होगा. ठीक है, तो एक तो हमारे रिकर्सिव फंक्शन में हमारे पेरेंट की नीड है. ठीक है, और जो हमारा करंट नोड है रूट उसकी तो नीड है ही क्योंकि उसी से हम चेक करने वाले हैं कि उसकी वैल्यू टारगेट के इक्वल है या नहीं है. फिर अब टारगेट की भी नीड है क्योंकि टारगेट से ही हम इक्वालिटी चेक करने वाले हैं. अब लास्ट किस चीज़ की नीड है कि लेफ़्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है. तो एक बूलियन इज़ लेफ़्ट की नीड है. अगर लेफ़्ट चाइल्ड होगा तो हम उसके पेरेंट का लेफ़्ट चाइल्ड नल करेंगे, नहीं तो राइट चाइल्ड नल करेंगे. फिर ऐसी कर करके लास्ट में देख लेंगे कि क्या हमारा लीफ नोड है या है ये जो पर्टिकुलर नोड है वो लीफ नोड है या फिर लीफ नोड बन चुका है. दोनों ही केसेस सेम चीज़ से चेक हो जाएंगे. अब इसको फटाफट से कोड कर लेते हैं. एक दूसरा फंक्शन लिख लेते हैं, प्राइवेट वॉइड सॉल्व. सबसे पहले हमें चाहिए ट्री नोड रूट, देन हमें चाहिए ट्री नोड पेरेंट, देन हमें चाहिए इंट टारगेट एंड देन हमें चाहिए बूलियन इज लेफ्ट. अब चेक करेंगे कि अगर रूट ही नल हो गया है तो हम तो आगे क्या उस रूट की भी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, तो रिटर्न करेंगे उस केस में. लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हम पहले लेफ़्ट और राइट चाइल्ड को प्रोसेस होने भेज देंगे. रूट डॉट लेफ़्ट, कॉमा पेरेंट क्या रहेगा इस केस में, रूट, एंड देन टारगेट सेम रहेगा. इज लेफ्ट के लिए ट्रू पास करेंगे अगर लेफ्ट चाइल्ड है और फॉल्स पास करेंगे अगर राइट चाइल्ड है. अब ये दोनों प्रोसेसिंग जब हो जाएंगी तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये वाला जो नोड है रूट, क्या वो लीफ नोड है या फिर बन चुका है. तो रूट डॉट लेफ्ट अगर नल होगा एंड रूट डॉट राइट भी नल होगा, एंड रूट की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी टारगेट के. तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये इसका पेरेंट नल है. अगर पेरेंट ही नल है दैट मीन्स हमारा जो रूट नोड है उसी को हमें डिलीट करना है, तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे, ठीक है. लेकिन अगर पेरेंट नल नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, इफ़ इज़ लेफ्ट, अगर लेफ़्ट चाइल्ड है तो क्या करेंगे, हमारे पेरेंट के लेफ़्ट चाइल्ड को नल कर देंगे, और नहीं तो हमारे पेरेंट के राइट चाइल्ड को नल कर देंगे, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हमारा रूट ही, सॉरी रिटर्न वॉइड है तो रिटर्न कर देंगे बस. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व फंक्शन में हमारा रूट पास कर देंगे, इसका पेरेंट रहेगा नल, देन टारगेट टारगेट ही रहेगा, और इज लेफ्ट को हम फॉल्स कर देते हैं या ट्रू, कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ये होने के बाद, ये फंक्शन चलने के बाद क्या हमारा रूट नोड लीफ नोड बन चुका है. लीफ नोड चेक करने की कंडीशन है रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल्स टू नल एंड रूट डॉट राइट इज इक्वल्स टू नल. क्या हमारा रूट नोड बन चुका है लीफ नोड, क्योंकि अगर हमारा रूट नोड लीफ नोड बन रहा था तो उसको हम रिमूव तो कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उसका कोई पेरेंट ही नहीं था. और रूट डॉट वैल है टारगेट के इक्वल, तो हम क्या करेंगे नल रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमें रूट नोड भी हटा ही देना है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे रिटर्न रूट. अब रन करके देख लेते हैं फटाफट से. पेरेंट ओके, यहाँ नल पास करना था. सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं. और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है. बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. Also please do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.